हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तमिल सुपरस्टार इलैयाथलपति विजय की अभी तक हिंदी डब में कितनी मूवीज आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि इलैयाथलपति की अभी तक हिंदी डब में कितनी मूवीज बन चुकी है। तो इस लिस्ट में टोटल 39 मूवीज है। तो चलिए जानते हैं कि वो 39 मूवी कौन सी है। तो इस लिस्ट में पहली मूवी आती है नलैया तिरुप्पु। 1992 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है फैसला ऊपर वाले का। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया है एस ए चंद्रशेखर ने। इस मूवी के लीड में थे विजय और कीर्तना। सपोर्टिंग कास्ट में थे श्री विद्या, राधा रवि और ईश्वरी राव। मूवी का म्यूजिक दिया था मनी मेलैया ने और मूवी को रिलीज किया गया था 4 दिसंबर 1992 को। मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे और IMDb में इस मूवी को 6.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे एवरेज रिस्पांस मिला था जिसकी वजह से मूवी एवरेज हिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए अल्ट्रा मूवी पार्लर ने। तो अभी आपको ये मूवी उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि अल्ट्रा मूवी पार्लर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इजीली देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में दूसरी मूवी आती है सिंदूर पांडी। 1993 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है ठाकुर भवानी सिंह। ये एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया एस ए चंद्रशेखर ने। मूवी के लीड में थे विजय गौतमी और सपोर्टिंग कास्ट में थे विजय कांत, युवा रानी और मनोरमा। मूवी का म्यूजिक दिया था देवा ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 24 दिसंबर 1993 को रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग थी 7.4 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस मूवी को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए सिनेकरी नेटवर्क ने। और सिनेकरी नेटवर्क ने इस मूवी की हिंदी डबिंग की है ठाकुर भवानी सिंह के नाम से और उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की हुई है। इस लिस्ट में तीसरी मूवी आते है विष्णु। 1995 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया जीता। ये एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया है एस ए चंद्रशेखर ने। मूवी के लीड में थे विजय और सांगवी। सपोर्टिंग कास्ट में थे जय शेखर, सेंथिल और काला रजनी और मूवी का म्यूजिक दिया था देवा ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 17 अगस्त 1995 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में रेटिंग मिली थी 7.6 की 10 में से। इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए थे सेमारो मूवीज ने। तो ये मूवी भी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि सेमारो मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जीता के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि चौथी मूवी आती है रामपुरी दामाद। 1996 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम से रिलीज किया गया है। ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है सी रंगनाथन ने और इस मूवी के लीड में थे विजय सांघवी और सपोर्टिंग कास्ट में थे करण, सेंथिल और वेणु चक्रवर्ती। मूवी का म्यूजिक दिया था विद्या सागर ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 15 जनवरी 1996 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए सेमारो मूवीज ने। इस मूवी की हिंदी डबिंग की है रामपुरी दामाद के नाम से। अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मूवी रामपुरी दामाद के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में पांचवी मूवी आती है पुवे उनके। 1996 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है मंजिल प्यार की। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है विक्रमन ने। मूवी के लीड में थे विजय, संगीता और अंजू अरविंद। सपोर्टिंग कास्ट में थे चार्ले और MN नंबियर। मूवी का म्यूजिक दिया था एस ए राजकुमार ने। इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 15 फरवरी 1996 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7.8 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से और इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए ईगल होम नेटवर्क्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि ईगल होम एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मंजिल प्यार के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में छठी मूवी आती है लव टुडे। 1997 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में दिल की डगर के नाम से रिलीज किया गया है। ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है बाला शेखरन ने और इस मूवी के लीड में थे विजय और सेवा लक्ष्मी। सपोर्टिंग कास्ट में थे मंत्रा और रघुवरन। मूवी का म्यूजिक दिया था शिवा ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 9 मई 1997 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से
हाईली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके इंडियन वर्जन रहे सोल्ड आउट किए कैप्टन मूवीज HD ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि कैप्टन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दिल की डगार के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में सातवीं मूवी आती नीलावे वा। नीलावे वा 1998 की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी वर्जन में नाम दिया एक और सिकंदर। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया ए वेंकटेश ने, और इस मूवी के लीड में थे विजय और सुवा लक्ष्मी। सपोर्टिंग कास्ट में थे सांगवी, जय गणेश और रघुवरन। मूवी का म्यूजिक दिया था विद्या सागर ने, और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 14 अगस्त 1998 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7.9 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी बिलो एवरेज साबित हुई थी, जिसके हिंदी डबल रेट सोल्ड आउट किए वाम इंडिया नेटवर्क्स ने। वाम इंडिया नेटवर्क्स ने इस मूवी को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवी स्टॉकिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक और सिकंदर के नाम से अपलोड की हुई है। इस लिस्ट में आठवीं मूवी आती नेंजी नीले। नेंजी नीले 1999 की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डबल में नाम दिया धर्माधव वॉरियर। ये एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसका स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन किया SA चंद्रशेखर ने। मूवी के लीड में थे विजय ईसा कोपीकर। सपोर्टिंग कास्ट में थे श्री रमन और सोनू सूद। मूवी का म्यूजिक दिया था देवा ने, और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 25 जून 1999 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी एवरेज हिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए गोलमेज टेलीफिल्म्स ने। और ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे धर्माधव वॉरियर के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में नवी मूवी आया था कन्नूकल नीलाऊ। कन्नूकल नीलाऊ 2000 साल की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है माई ड्यूटी। ये एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन किया है फाजिल ने। मूवी के लीड में थे विजय, कावेरी और शालिनी। सपोर्टिंग कास्ट में थे रघु, वरन, श्री, विद्या और धामू। मूवी का म्यूजिक दिया था इलैया राजा ने, और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 14 जनवरी 2000 के साल में रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए वाम इंडिया मूवीज ने। और ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे माई ड्यूट्यूब के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली मूवी थे प्रिया मानवाले। प्रिया मानवाले 2000 साल की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया दिल की बात। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया के सेल्वा भारती ने, और मूवी के लीड में थे विजय और सिमरन। सपोर्टिंग कास्ट में थे राधिका चौधरी और विवेक और रामजी। मूवी का म्यूजिक दिया था SA राजकुमार ने, और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 26 अक्टूबर 2000 के साल में रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी हिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए गोलमेज टेलीफिल्म्स ने। और ये मूवी भी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि गोलमेज टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दिल की बात के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली मूवी आती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 2001 की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया भीष्मा एक अकेला। ये एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है सिद्दकी ने। मूवी के लीड में थे विजय और सूर्या। सपोर्टिंग कास्ट में थे देवयानी, विजय लक्ष्मी और रमेश खन्ना। मूवी का म्यूजिक दिया था इलैया राजा ने, और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 14 जनवरी 2001 में रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रहे सोल्ड आउट के पेन नेटवर्क्स ने। तो पेन नेटवर्क्स ने इस मूवी को उनको ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भीष्मा एक अकेले का नाम से अपलोड किया हुआ है। इस लिस्ट में 12वें नंबर पे आते हैं तमिलान। तमिलान 2002 की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया जीत बोर्न टू विन। ये एक लो एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायरेक्शन किया है माजिद ने। मूवी के लीड में थे विजय और प्रियंका चोपड़ा। सपोर्टिंग कास्ट में थे नजर, रेवती। मूवी का म्यूजिक दिया था डी ईमान ने, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 अप्रैल 2002 में, जिसके हिंदी डब वर्जन रहे सोल्ड आउट किए कैप्टन मूवीज ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि कैप्टन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जीत बोर्न टू विन के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में 13वें नंबर पे आती है यूथ। यूथ 2002 की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम से रिलीज किया गया है। ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया था विंसेंट सेल्वा ने। इस मूवी के लीड में थे विजय और सहिन खान। मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में थे विवेक, योगेंद्रन, सिंधु मेनन। मूवी का म्यूजिक दिया था मणि शर्मा ने, और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 19 जुलाई 2002 में रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.7 10 में से। इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी अबव एवरेज साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए वाम नेटवर्क्स ने। वाम इंडिया मूवीज ने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये मूवी को यूथ के नाम से अपलोड की हुई है। इस लिस्ट में 14वें नंबर पे आते हैं भगवती। भगवती 2002 की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया अल्टीमेट।
ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया ए वेंकटेश ने। इस मूवी के लीड में थे विजय, रीमा सेन और जय। सपोर्टिंग कास्ट में थे आशीष विद्यार्थी और वाडी वेलू। मूवी का म्यूजिक दिया था देवा ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 4 नवंबर 2002 में रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग है 5/10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी एवरेज साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किया डिजिटल हिट मूवीज ने और उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि डिजिटल हिट मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मूवी अल्टीमेट के नाम से अपलोड की हुई है। इस लिस्ट में अगली यानी कि 15वीं मूवी आती है वसीगरा। वसीगरा 2002 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया एक और लोफर। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया के सेल्वा भारती ने। मूवी के लीड में थे विजय, स्नेहा और वाडीवेलू। सपोर्टिंग कास्ट में थे गायत्री, जयरामन और नजर। मूवी का म्यूजिक दिया थे ऐसे राजकुमार ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 15 जनवरी 2003 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी बिलो एवरेज साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए वाम इंडिया नेटवर्क्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक और लोफर के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में 16वें नंबर पे आती है पुथैया गीथाए। पुथैया गीथाए 2003 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डबर्जन में नाम दिया एक दमदार द पावरफुल। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया केपी जगन ने। मूवी के लीड में थे विजय, अमीषा पटेल। सपोर्टिंग कास्ट में थे मीरा जासमिन और काल भवन मनी। मूवी का म्यूजिक दिया था युवान शंकर राजा ने और मूवी को रिलीज किया गया था 8 मई 2003 को। इस मूवी में IMDb रेटिंग हासिल हुई थी 4.2 की 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को नेगेटिव टू मिक्स रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए वाम इंडिया नेटवर्क्स ने। तो वाम इंडिया मूवीज ने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक दमदार द पावरफुल के नाम से इस मूवी को अपलोड किया हुआ है। इस लिस्ट में 17वें नंबर पे आती है थिरुमलाई। थिरुमलाई 2003 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया दम 2। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है रमणा ने। मूवी के लीड में थे विजय, ज्योतिका और सपोर्टिंग कास्ट में थे विवेक, रघुवरन और करुणास। मूवी का म्यूजिक दिया था विद्या सागर ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 24 अक्टूबर 2003 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 6.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस में मूवी हिट साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए गोलमेज टेलीफिल्म्स ने और ये मूवी भी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे यानी कि गोलमेज टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दम 2 के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में 18वें नंबर पे आती है उदया। उदया 2004 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है तूफान वन मैन आर्मी। ये एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया है अलागम पेरुमल ने और इस मूवी के लीड में थे विजय, सिमरन, नजर, विवेक और राजेश। मूवी का म्यूजिक दिया था AR रहमान ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 30 मार्च 2004 को रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग है 4.1 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू मिले थे और ऑडियंस की तरफ से इस मूवी को मिक्स रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पे बिलो टू एवरेज फ्लॉप साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए गोलमेज टेलीफिल्म्स ने। गोलमेज टेलीफिल्म्स ने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस मूवी को तूफान वन मैन आर्मी के नाम से अपलोड किया हुआ है। इस लिस्ट में 19वें नंबर पे आती है गिली। गिली 2004 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया कीर्तिमान। ये एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म है जिसका स्क्रीन प्ले डायरेक्शन किया है धरानी ने। इस मूवी के लीड में थे विजय और त्रिषा कृष्णन। सपोर्टिंग कास्ट में थे प्रकाश राज और आशीष विद्यार्थी। म्यूजिक दिया है विद्या सागर ने। तमिल लैंग्वेज में इस मूवी को 17 अप्रैल 2004 को रिलीज किया गया था। इस मूवी को IMDb में 7.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को हाईली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए ईगल होम नेटवर्क्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि ईगल होम नेटवर्क्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ईगल होम एंटरटेनमेंट पे कीर्तिमान के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में 20वें नंबर पे आते हैं मधुरे। मधुरे 2004 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया सरफरोस दोबारा। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया रमणा मधेश ने। मूवी के लीड में थे विजय और सोनिया अग्रवाल। सपोर्टिंग कास्ट में थे रक्षिला, वडीवेलू और पशुपति। मूवी का म्यूजिक दिया था विद्या सागर ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 29 अगस्त 2004 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 4.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। और इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने 12 करोड़ का बिजनेस किया था और उसी की वजह से मूवी एवरेज हिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट के गोलमेज टेलीफिल्म्स ने और उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस मूवी को सरफरोश दोबारा के नाम से अपलोड किया हुआ है। इस लिस्ट में 21वें नंबर पे आती है थिरुपाची। थिरुपाची 2005 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया इंसाफ की तलवार। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया पेरा रासू ने। इस मूवी के लीड में थे विजय और त्रिषा कृष्णन। सपोर्टिंग कास्ट में थे मल्लिका, कोटा श्रीनिवास राव। मूवी का म्यूजिक दिया था देवी श्री प्रसाद ने
और मनीष शर्मा ने। मूवी को रिलीज किया गया था 14 जनवरी 2005 को और इस मूवी को IMDb में रेटिंग हासिल हुई थी 5.8 की 10 में से, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी हिट साबित हुई थी, जिसके इंडियन वर्जन रेट सोल्ड आउट किए ईगल होम एंटरटेनमेंट और उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि ईगल होम एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इंसाफ की तलवार के नाम से अपलोड की हुई है। इस लिस्ट पे 22वें नंबर पे आते सचिन। सचिन 2005 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी वर्जन में नाम दिया घमंडी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया जॉन महेंद्रन ने। मूवी के लीड में थे विजय और जेनिलिया डिसूजा। सपोर्टिंग कास्ट में थे बिपाशा बासु, वाडी वेलु और शांतनम। मूवी का म्यूजिक दिया था देवी शिव प्रसाद ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 14 अप्रैल 2005 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 6.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस मूवी को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके इंडियन वर्जन राइट सोल्ड आउट किया अल्ट्रा नेटवर्क ने। अल्ट्रा मूवी पार्लर ने इस मूवी को बॉलीवुड अरेबिक वीडियो चैनल पे घमंडी के नाम से अपलोड किया हुआ है। इस लिस्ट में 23वें नंबर पे आती है शिवाकाशी। शिवाकाशी 2005 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी वर्जन में नाम दिया विरासत की जंग। ये एक एक्शन मसाला फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया पेरा रासू ने। मूवी के लीड में थे विजय, असिन और प्रकाश राज। सपोर्टिंग कास्ट में थे राजेश, गीता और वेंकट प्रभु। म्यूजिक दिया था श्रीकांत देवा ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 1 नवंबर 2005 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 5.3 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रे सोल्ड आउट के ईगल नेटवर्क्स ने। तो ये मूवी भी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि ईगल मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे विरासत की जंग के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली मूवी यानी कि 24वें नंबर पे आती है आती। आती 2006 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया आदि नारायण। ये एक एक्शन फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था रमणा ने और इस मूवी के लीड में थे विजय, त्रिशा कृष्णन, प्रकाश राज, विवेक और साई कुमार। मूवी का म्यूजिक दिया था विद्या सागर ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 14 जनवरी 2006 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 3.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से और क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट के ईगल नेटवर्क ने। तो ये मूवी भी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि ईगल मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आदि नारायण के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में 25वें नंबर पे आती पोकिरी। पोकिरी 2007 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया वांटेड बागी। ये एक गैंगस्टर क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है प्रभु देवा ने और इस मूवी के लीड में थे विजय, आसिन और प्रकाश राज। सपोर्टिंग कास्ट में थे नेपोलियन, मुकेश तिवारी और वाडी वेलु। मूवी का म्यूजिक दिया था मनीष शर्मा ने और तमिल लैंग्वेज इस मूवी को 12 जनवरी 2007 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट के गोलमाइन टेलीफिल्म्स ने। तो ये मूवी अभी आप कौन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि गोलमाइन टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वांटेड बागी के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली मूवी यानी कि 26वें नंबर पे आती है अलगया तमिल मगन। अलगया तमिल मगन 2007 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया सबसे बड़ा खिलाड़ी। ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसका स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन किया है भारथान ने और इस मूवी के लीड में थे विजय, श्रेया सरन। सपोर्टिंग कास्ट में थे नमिता शांतनम और सयाजी शिंदे। मूवी का म्यूजिक दिया था AR रहमान ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 8 नवंबर 2007 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 4.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से और क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को नेगेटिव टू मिक्स रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी अबव एवरेज साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट के इंडियन वीडियो गुरु ने। तो ये मूवी भी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि इंडियन वीडियो गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सबसे बड़ा खिलाड़ी के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि 27वें नंबर पे आती कुरुवी। कुरुवी 2008 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया जो जीता वही बाजीगर है। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन किया है धरानी ने। इस मूवी के लीड में थे विजय, त्रिशा कृष्णन और सुमन और मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में थे विवेक, आशीष विद्यार्थी और मूवी का म्यूजिक दिया था विद्या सागर ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 3 मई 2008 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 3.8 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट के ईगल होम नेटवर्क ने। तो ये मूवी भी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी ईगल होम एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो भी जीता वही बाजीगर के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट पे अगली मूवी आते विल्लू। विल्लू 2009 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया एक और जाबाज खिलाड़ी। ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया प्रभु देवा ने। इस मूवी के लीड में थे विजय, नयनतारा और सपोर्टिंग कास्ट में थे रंजिता और प्रकाश राज। मूवी का म्यूजिक दिया था देवी श्री प्रसाद ने और मूवी को तमिल लैंग्वेज में 12 जनवरी 2009 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 3.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट के गोलमेंट टेलीफिल्म्स ने। तो ये मूवी भी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक और जाबाज खिलाड़ी के नाम से देखने को मिल जाएगी।
इस लिस्ट में 29वें नंबर पे आते हैं वेत्ताई कारण 2009 की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया डेंजरस खिलाड़ी 3। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया बी बाबू सिवान ने। इस मूवी के लीड में थे विजय और अनुष्का शेट्टी। सपोर्टिंग कास्ट में थे श्री हरि और सयाजी शिंदे और साथियान। मूवी का म्यूजिक दिया था विजय एंटनी ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 18 दिसंबर 2009 को रिलीज किया गया था, जिसको आईएमडीबी में 4.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी हिट साबित हुई थी, जिसको हिंदी डब करवाए गोलमेज स्टील फिल्म्स ने। तो ये मूवी भी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डेंजरस खिलाड़ी 3 के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि 30वें नंबर पे आती है सूरा 2010 की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम से रिलीज किया गया है। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया एसपी राजकुमार ने। मूवी के लीड में थे विजय तमन्ना भाटिया। सपोर्टिंग कास्ट में थे वाडी वेलू, देव गिल और राधा रवि। मूवी का म्यूजिक दिया था मणि शर्मा ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 30 अप्रैल 2010 को रिलीज किया गया था, जिसको आईएमडीबी में 2.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि गोलमाइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सूरा के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में 31वें नंबर पे आती है कावालान 2011 की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है मैं हूँ बॉडीगार्ड। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है सिद्दकी ने। मूवी के लीड में थे विजय और आसिन। सपोर्टिंग कास्ट में थे मित्रान करियन, राज किरण, वाड़ी वेलू और रोजा। मूवी का म्यूजिक दिया थे विद्या सागर ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 15 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था, जिसको आईएमडीबी में 6.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए गोलमाइंस नेटवर्क ने। तो ये मूवी भी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि गोलमाइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं हूँ बॉडीगार्ड के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में 32वें नंबर पे आते वेला युद्धम 2011 की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है सुपर हीरो सहनसा। ये एक फैंटेसी थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया एम राजा ने। मूवी के लीड में थे विजय और हंसिका मोटवानी। सपोर्टिंग कास्ट में थे जेनिलिया डिसूजा और अभिमन्यु सिंह। मूवी का म्यूजिक दिया थे विजय एंटोनी ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 26 अक्टूबर 2011 को रिलीज किया गया था, जिसको आईएमडीबी में 6.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और इस मूवी का बजट करीबन 45 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने 60 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसकी वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किया है वाम इंडिया नेटवर्क ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे यानी कि वाम इंडिया मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सुपर हीरो सहनसा के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में 33वें नंबर पे आते हैं तुपक्की 2012 की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया इंडियन सोल्जर नेवर ऑन हॉलीडे। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया एयर मुर्गाडोस ने। इस मूवी के लीड में थे विजय, काजल अग्रवाल। सपोर्टिंग कास्ट में थे साथियान, विद्युत जामवाल और जया रमन और इस मूवी का म्यूजिक दिया था हरीश जयाराज ने। मूवी को तमिल लैंग्वेज में 13 नवंबर 2012 को रिलीज किया गया था, जिसको आईएमडीबी में 7.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने। तो ये मूवी भी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि गोलमाइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इंडियन सोल्जर नेवर ऑन हॉलीडे के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में 34वें नंबर पे आती है थलाइवा 2013 की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है थलाइवा द लीडर। ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन किया है एल विजय ने। मूवी के लीड में थे विजय और अमला पोल। सपोर्टिंग कास्ट में थे सत्यराज, अभिमन्यु सिंह और शांतनम। मूवी का म्यूजिक दिया था जीवी प्रकाश ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 8 अगस्त 2013 को रिलीज किया गया था, जिसको आईएमडीबी में 6.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी एवरेज हिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट के गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने। तो ये मूवी भी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे थलाइवा द लीडर के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में 35वें नंबर पे आती जिला 2014 की तमिल लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया पुलिस वाला गुंडा 2।
ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया आर टी नेल्सन ने और मूवी के लीड में थे मोहनलाल, विजय और काजल अग्रवाल। सपोर्टिंग कास्ट में थे महंत, राघवेंद्र और सूरी। मूवी का म्यूजिक दिया था डी ईमान ने। चिल्ला मूवी को तमिल लैंग्वेज में 10 जनवरी 2014 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 6.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और इस मूवी का बजट करीबन 50 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पे 85 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन रहे सोल्ड आउट किए गोलमेज टेलीफिल्म्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पुलिस वाला गुंडा 2 के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में 36वें नंबर पे आते कत्ती। कत्ती 2014 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया खाकी और खिलाड़ी। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया एयर मुरुगोडोस ने। मूवी के लीड में थे विजय, समंथा रुद्र प्रभु और नील नितिन मुकेश। सपोर्टिंग कास्ट में थे टोटा रॉयस, चौधरी और सतीश। मूवी का म्यूजिक दिया था अनिरुद्ध रविचंद्र ने। मूवी को तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था 22 अक्टूबर 2014 को और इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और IMDb में इस मूवी को 8 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। बॉक्स ऑफिस पे मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 130 करोड़ का बिजनेस किया था। जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए जी नेटवर्क ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि Zee5 ऐप पे खाकी और खिलाड़ी के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में 37वें नंबर पे आते पुली। पुली 2015 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि पुली के नाम से रिलीज किया गया है। ये एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था चिंबू देवन ने और मूवी के लीड में थे विजय, श्रीदेवी, प्रभु, सुदीप, श्रुति हसन, हंसिका मोटवानी। मूवी का म्यूजिक दिया था देवी श्री प्रसाद ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 1 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 4.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस मूवी का बजट करीबन 88 करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 121 करोड़ का बिजनेस किया था। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को नेगेटिव टू मिक्स रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी बिलो एवरेज साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन रहे सोल्ड आउट के गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पुली के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में 38 पोजीशन पे आती है थेरी। थेरी 2016 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम से रिलीज किया गया है। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया है एटली ने। मूवी के लीड में थे विजय, एमी जैक्सन और समंथा रुद्र प्रभु। सपोर्टिंग कास्ट में थे बेबी नैनिका और राजेंद्रन। मूवी का म्यूजिक दिया था जी प्रकाश कुमार ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज में 14 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट के गोलमेज टेलीफिल्म्स ने और गोलमेज टेलीफिल्म्स ने उस मूवी को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे थेरी के नाम से अपलोड किया हुआ है। इस लिस्ट में आखिरी यानी कि 39वें नंबर पे आती है भाईरवा। भाईरवा 2017 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है भाईरवा। ये एक एक्शन मसाला फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है भारत खान ने और मूवी के लीड में थे विजय और कीर्ति सुरेश। सपोर्टिंग कास्ट में थे जगपति बाबू, डेनियल बालाजी, थंबी रमेश और सतीश। मूवी का म्यूजिक दिया था संतोष नारायण ने और तमिल लैंग्वेज में इस मूवी को 12 जनवरी 2017 को रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग थी 6.1 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने 114 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन रहे सोल्ड आउट के गोलमाइंस नेटवर्क ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि गोलमाइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भाईरवा के नाम से देखने को मिल जाएगी। ये अभी तक की 39 ऐसी मूवी है जो विजय के करियर की अभी तक में हिंदी डब में आ चुकी है। इसके अलावा 2 ऐसी और तमिल मूवी है जो विजय की हिंदी डब के राइट सोल्ड आउट हो चुकी है, जिसका नाम है सरकार और मरसल। सरकार के लीड रोल में थे विजय, कीर्ति सुरेश, वारा लक्ष्मी, शरद कुमार, जो बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दूसरी मूवी है मरसल। मरसल के लीड रोल में थे विजय, समंथा, नित्या मेनन, काजल अग्रवाल और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट के गोलमेज टेलीफिल्म्स ने। तो गोलमेज टेलीफिल्म्स इस मूवी की हिंदी डबिंग जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो ये सभी 39 मूवी जो विजय के करियर की अभी तक हिंदी डब में आ चुकी है और ये सभी मूवी उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में अवेलेबल है। तो बस ऐसी साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की अपडेट के लिए, सभी प्रकार के साउथ इंडियन मूवीज की टेलीविजन प्रीमियर, यूट्यूब प्रीमियर और साउथ इंडियन मूवीज की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।